तेलंगाना, हैदराबाद के नामपल्ली में एक अपार्टमेंट में भीषण आग, 6 लोगों की झुलसकर मौत। आंध्र प्रदेश, शराब देने से किया इनकार तो शराबी ने दुकान में लगाई आग, स्टाफ पर भी फेंका पेट्रोल, लाखों की संपत्ति खाक। तमिलनाडु, त्रिची हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग में पकड़े 2 तस्कर, 1 करोड़ रुपए से अधिक का सोना जब्त। गोवा, रिजॉर्ट के रिसेप्शन क्षेत्र में खड़े वाहन को एसयूवी ने मारी टक्कर, 1 महिला की मौत, आरोपी गिरफ्तार। 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक, ईडी ने किया था गिरफ्तार। कर्नाटक में घर में मिले एक ही परिवार के 4 लोगों के शव, मृतकों में मां समेत 3 बच्चे शामिल। त्रिपुरा में 14 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार, 2 घरों पर छापेमारी के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान दिवाली पर लंदन के स्वामीनारायण मंदिर में शांति के लिए प्रार्थना की। उत्तरकाशी सुरंग हादसा, फंसे हुए 40 मजदूरों को बचाने के लिए बचाव अभियान जारी। पहले अधिकारियों ने कहा था कि सुरंग के अंदर 36 कर्मचारी फंसे हुए थे, लेकिन बाद में यह आंकड़ा संशोधित कर 40 कर दिया गया। उत्तर प्रदेश, मथुरा में 7 पटाखों की दुकानों में लगी आग, 9 घायल। तमिलनाडु में तेंदुए के हमले में 4 दमकल कर्मियों समेत 6 लोग घायल हो गए। BY विजयेंद्रा, कर्नाटक BJP का मतभेद चिंताजनक नहीं, सभी को साथ लेकर चले गए, पूर्व CM के बेटे ने दिलाया यकीन। तेलंगाना, धोखा दे रहे PM मोदी, मेडिगा को सशक्त बनाने के लिए समिति का ऐलान दिखावा, BRS नेता KTR का आरोप। केरला, मणिपुर हिंसा के बारे में एक शब्द बोलने में भी 80 दिन लग गए, CM विजयन ने PM मोदी पर बोला हमला।